इस समय एक फिल्म बहुत ही ज्यादा नाम कमा रही है, उसका नाम है द कश्मीर फाइल्स। यह फिल्म 11 मार्च को सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है और लोग इस फिल्म को काफी पसंद भी कर रहे हैं। यह फिल्म साल 1990 में हुए जम्मू कश्मीर में हिंदुओं के नरसंहार और उनके वहां से भागने की दर्द भरी कहानी को बयां करता है। इस फिल्म के निर्देशक हैं विवेक रंजन अग्निहोत्री। इसी फिल्म में राधिका मेनन नाम की एक JNU की अध्यापिका का किरदार है, जिसे पल्लवी जोशी निभा रही है और दर्शकों का खूब तारीफ भी बटोर रही है। आखिर क्या है पल्लवी जोशी की कहानी और वह यहाँ तक कैसे पहुँची है, आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में उनकी पूरी कहानी को पूरे विस्तार से। बॉलीवुड एक्ट्रेस पल्लवी जोशी का जन्म 4 अप्रैल 1969 को मुंबई में हुआ था। वह अपने बचपन के दिनों से ही स्टेज पर अपने अभिनय का जौहर दिखाना शुरू कर दी थी। उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपना डेब्यू किया था। एक्ट्रेस पल्लवी जोशी बॉलीवुड की फिल्म आदमी सरक का, हेमा मालिनी की ड्रीम गर्ल और फिल्म दादा में चाइल्ड अभिनेत्री के रोल में नजर आई थी। उस फिल्म में उन्होंने एक अंधी बच्ची का रोल निभाया था और उनकी एक्टिंग को खूब सराहा गया था। इसके बाद वह रुक्मावती की हवेली और सूरज का सातवां घोड़ा जैसी 8 फिल्मों में भी नजर आई। इसके साथ साथ एक्ट्रेस पल्लवी जोशी ने व्यवसायिक फिल्मों में भी अपना हाथ आजमाया। वह राजकुमार के साथ सौदागर और मुजरिम जैसी फिल्मों में नजर आई। उनको मुख्य रोल बहुत ही कम मिले, वह अधिकतर फिल्मों में सपोर्टिंग रोल में ही नजर आई, लेकिन अपने अभिनय से वह लोगों के नजर में आ गई। उनको जो भी रोल मिलता था वह उसमें जान फूंक देती थी। वह फिल्मों से इतर स्मॉल स्क्रीन की दुनिया में भी काफी सक्रिय रही और सारेगामापा लिटिल चैंप्स जैसे कई रियलिटी शोज को भी होस्ट की। इसके बाद वह भारत एक खोज, मिस्टर योगी, ये कहां आ गए हम और जस्तुजू जैसी टीवी शोज का भी हिस्सा रही। वह हिंदी के साथ साथ मराठी, मलयालम और दक्षिण के कुछ फिल्मों में भी खासी सक्रिय रही और उन इंडस्ट्रीज में भी खूब काम किया। राजकुमार से लेकर मिथुन चक्रवर्ती के साथ वह काम कर चुकी है, तो क्योंकि वह कभी मुख्य किरदार में नहीं दिखी इसलिए उनको ज्यादा नोटिस नहीं किया गया, लेकिन जो लोग फिल्मों को नजदीक से जानते हैं वह पल्लवी जोशी को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। साल 1973 में बाल कलाकार से अपने फिल्मी सफर की शुरुआत करने वाली पल्लवी जोशी इस समय तक लगभग 60 से भी ज्यादा फिल्म और टीवी शोज में नजर आ चुकी है। यह बोलने में काफी दिलचस्प लग रहा है कि 53 ईयर्स की पल्लवी जोशी 50 ईयर्स से एक्टिंग कर रही है। जहां शाहरुख खान जैसे बड़े एक्टर्स को अभी तक नेशनल अवार्ड नसीब नहीं हुआ है, वहीं पल्लवी जोशी मेन लीड ना करने के बावजूद भी 2 नेशनल अवार्ड अपने नाम कर चुकी है। साल 1992 में वो छोकरी फिल्म के लिए उनको स्पेशल जोड़ी अवार्ड मिला था। वहीं साल 2019 में आई फिल्म द ताशकंद फाइल्स के लिए उनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला। बॉलीवुड एक्ट्रेस पल्लवी जोशी की शादी विवेक अग्निहोत्री के साथ हुआ है और उनके 2 बच्चे भी हैं। विवेक अग्निहोत्री खुद भी एक फिल्म निर्देशक हैं। उनकी पिछली 3 फिल्मों में वाइफ पल्लवी जोशी ने काम किया है। साल 2016 में आई बुद्धा इन ट्रैफिक जाम, साल 2019 में आई द ताशकंद फाइल्स और अभी साल 2022 में आई द कश्मीर फाइल्स। एक्ट्रेस पल्लवी जोशी लगातार काम कर रही है और अपने अभिनय क्षमता से दर्शकों का दिल जीत रही है। उनको आगे आने वाले फिल्मी सफर के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। तो यही थी बॉलीवुड एक्ट्रेस पल्लवी जोशी की पूरी कहानी। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर भी करें। इस वीडियो के बारे में अपने विचार आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें। साथ ही फिल्म्स, टीवी, OTT और वेब सीरीज से जुड़े ऐसे ही वीडियोज़ को देखते रहने के लिए बेजोर फिल्म्स को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लें। थैंक यू सो मच।